हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल रिया ड्रेस डिज़ाइनर में। तो आज हम बनाने वाले हैं बाजू का डिज़ाइन, जिसे मैंने ब्लाउज के साथ रेडी किया है। आप चाहो तो इसे कुर्ती में, ब्लाउज में, फ्रॉक में, किसी भी ड्रेस में रेडी कर सकते हो। तो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगी, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते, हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ हमने ब्लाउज का फैब्रिक ले लिया है, तो इसकी जो लेंथ है वो है 8 इंच। विड्थ इसकी जो हमने ली है वो ली है 46 इंच। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी चाहो उतनी विड्थ ले सकते हो। तो मैंने 46 इंच ली है। तो मैंने स्लीव्स कट कर ली है, जिसे मैंने अस्तर के फैब्रिक से कट किया है। जो इसकी लेंथ है वो है 6 इंच। तो हम इस ब्लाउज़ के फैब्रिक में जो है प्लेट डालेंगे। तो प्लेट हम पहले नीचे की तरफ से डालेंगे, देखिए ऐसे यहाँ डालते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए हम फटाफट से इसमें जो है प्लेट डाल लेंगे। तो ऐसे दूसरी साइड में प्लेट डाल लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ प्लेट डाल ली है, जो हमने अस्तर के स्लीव्स कट करी थी। तो उन्हें यहाँ पर रखेंगे और रखते हुए साइड से सिलाई लगाएंगे पहले ऊपर की तरफ से। चलिए फटाफट से यहाँ सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमारी सिलाई लग चुकी है। तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कर देंगे कट। तो ऐसे जो हम दूसरी साइड भी यहाँ साइड से सिलाई लगा लेंगे नीचे की तरफ से। तो चलिए फटाफट से सिलाई लगा लेते हैं। अब ऐसे यहाँ साइड से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कर देंगे कट। तो देखिए यहाँ हमारी कटिंग भी हो चुकी है। तो नीचे के लिए मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर लिया है, इसकी लेंथ मैंने 6 इंच रखी है और इसकी विड्थ है 14 इंच। तो हम यहाँ मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और अस्तर को इसके ऊपर रखेंगे और रखते हुए नीचे की तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए फटाफट से यहाँ सिलाई लगा लेते हैं। अब ऐसी एक सिलाई हम मेन फैब्रिक को अस्तर की तरफ रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब जो हम इसे सीधा कर लेंगे और सीधी तरफ से ऊपर की तरफ से हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ हमारी सिलाई लग चुकी है, धागे कर देंगे यहाँ से कट। अब जो हम यहाँ लेस लगाएंगे, तो ये हमारी
ब्लाउज की लेस है जिसे हम स्लीव पर लगाएंगे। तो यहाँ से हम इसे फोल्ड करेंगे, फोल्ड कर तो यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे दूसरी साइड से फोल्ड करते हुए हम यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमारी सिलाई भी लग चुकी है, तो मैं श्रद्धा कर लें कट। अब जो हम इसे यहाँ से नाप लेंगे कि हमें कितने इंच का लेना है, ये हमें 10 इंच का लेना है। तो यहाँ से हम इसे फोल्ड करके एक बार देख लेंगे हमारा कितना इंच आ रहा है। तो देखिए ये हमारा 10 इंच है, तो यहाँ से हम इसे 1.5 इंच कट कर देंगे। तो देखिए हमारी कटिंग भी हो चुकी है, तो हमने इस डिज़ाइन को या मेन फैब्रिक पर उल्टा रखेंगे और रखते हुए मेन फैब्रिक को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। पहले हमें सिलाई अस्तर पे नहीं लगानी, मेन फैब्रिक पर लगानी है। तो चलिए फटाफट से यहाँ सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए मेन फैब्रिक में मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो ये हमारा अस्तर है यहाँ से हम इसे एक बार फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे पूरे पर। तो चलिए फटाफट से यहाँ भी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ हमारी सिलाई भी लग चुकी है, तो हम यहाँ से साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और एक्स्ट्रा धागे को भी। तो हमने एक्स्ट्रा धागे को भी कट कर दिया है। तो ये हमारी स्लीव्स बनके रेडी हो चुकी है। तो आप इसे कुर्ते में, फ्रॉक में, ब्लाउज़ में, किसी भी ड्रेस में लगा सकते हो। तो हम यहाँ पहले साइड से सिलाई लगाते हैं, फिर आपको इसका लुक दिखाते हैं। देखिए हमने सिलाई भी लगा लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।